नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवाड़ी। दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में काफ़ी कुछ गलत चलता है जिसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने के लिए समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहते हैं और आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी जुगाड़ से कोई सेटिंग से अगर कोई डॉक्यूमेंट लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें कहीं अप्लाई करने से पहले उन्हें एक बार वेरीफाई जरूर करा लेना। वेरीफाई के लिए भी हमने आपको काफ़ी प्रोसेस बताए हैं कि आप उन्हें ईमेल के द्वारा वेरीफाई करा सकते हैं, थर्ड पार्टी के द्वारा भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं, आप RTI के द्वारा भी वेरीफिकेशन करा सकते हैं या फिर आप FIR दर्ज करा के भी वेरीफिकेशन करा सकते हैं, लेकिन आपको वेरीफिकेशन ज़रूर करा लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इस तरीके के फ्रॉड आए दिन हो जाते हैं जिनमें जो कार्रवाई है यूनिवर्सिटी पर ना होकर उस स्टूडेंट पर कार्रवाई होती है। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे आपसे कि डिग्री यूनिवर्सिटी से मंगाई और डाक दिल्ली से आई, आखिर क्या मामला है। दोस्तों, हमने अब देखा है कई यूनिवर्सिटियां ऐसा काम कर रही है, जब आप कोई डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए उन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद जब आप जो डाक भेजते हो वो यूनिवर्सिटी में भेजते हो, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई डाक से कोई भी आप भेज रहे हो कोई भी चीज़, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजें ताकि आपको वो एविडेंस मिल सके कि हाँ, जो हमने डाक भेजी है वो यूनिवर्सिटी को रिसीव भी हुई है। और दोस्तों, जब यूनिवर्सिटी में कोई डाक भेजी जाए और यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाए, लेकिन जो हमारे को रिटर्न डाक मिल रही है, जो चीज़ हमने मंगाई है वो हमें या तो दिल्ली से मिले या फिर बेंगलोर से मिले या फिर कर्नाटक से मिले, इस मामले को ऐसे समझते हैं कि मान लो यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की है और डाक दिल्ली से आ रही है, या फिर ऐसे समझते हैं कि मान लो यूनिवर्सिटी हिमाचल की है और डाक बेंगलोर से आ रही है, तो मामला गलत मामले की ओर तो इशारा करेगा ही, स्टूडेंट तो परेशान होगा ही। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक काल्पनिक नेम प्रकाश की है, हम आपको एक स्टोरी के तहत इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। एक प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जिसको ग्रेजुएशन करनी थी और उन्होंने एक ऑफिस देखा, वहाँ पे एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि आप यहाँ से कोई भी मतलब कोर्सेज कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन करा देंगे। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे जानकारी मिली, उसको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों के नाम मिले कि भाई आप बताइए इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, साथ ही उन्हें एक एडवाइस मिली कि आपको ये जो डिग्री है 2 से 3 महीने में मिल जाएगी। जब ये चीज़ सुनी प्रकाश ने तो वो काफ़ी प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि जो काम 3 साल में होना है वो 3 महीने में हो रहा है और जो इस तरीके का आश्वासन देने वाला व्यक्ति है उसे वो गारंटी दे रहा है, और साथ ही जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई करने की यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई करने की, साथ ही यूनिवर्सिटी से जाकर उन दस्तावेज़ों को लाने की गारंटी दे रहा है। ये बात सुनकर प्रकाश काफ़ी प्रसन्न हो गया, उसे लगा कि हाँ, अब तो तुम्हारे पास सही मौका है, सही समय है, यहाँ से कर लेना चाहिए और यूनिवर्सिटी ही तो उन डॉक्यूमेंटों को दे रही है। तो प्रकाश भी उन लोगों की बातों में आ गया और उसने वहाँ पे फीस जमा करा दी, जिसकी रिसिप्ट उन्हें मिल गई, लेकिन वो किसी दिगर संस्था के नाम थी। फिर भी प्रकाश के दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी, उसने वो रिसिप्ट ले ली और लेने के बाद वो 1.5 से 2 महीने के आसपास वेट किया। 2 महीने बाद उसे उसी संस्था के द्वारा फ़ोन आता है कि भाई आपकी मार्क कार्ड आ गई है, आप ले जाइए और जो आपका पेमेंट बाकी है वो जमा करा दीजिए। तो प्रकाश वहाँ जाता है, जो बचा हुआ पेमेंट है वो जमा करा देता है और वहाँ से जो मार्क कार्ड है, जो भी वो कोर्सेज उसने किया है वो वहाँ से प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करने के बाद प्रकाश काफ़ी खुश रहता है कि हाँ, उसका जो काम था वो हो गया, अब वो ग्रेजुएशन धारी हो गया, डिग्री धारी हो गया। लेकिन प्रकाश के दिमाग में कुछ सवाल थे कि आखिर ये ऐसा तो नहीं होगा कि ये व्यक्ति खुद हमें इस तरीके से कोई बना के दिए हैं या ये डॉक्यूमेंट फेक है, उसकी वो जांच करना चाहता था। जब इस तरीके के विचार उसके दिमाग में आए तो उसने यूनिवर्सिटी में कॉल किया और यूनिवर्सिटी में जानकारी प्राप्त करना चाहा कि भाई मेरे पास इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब मार्क कार्ड है, मुझे इसकी डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और जैसे कैरेक्टर और भी कई दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता है, मैं आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं आ सकता क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में वहाँ आना काफ़ी कठिनाइयों युक्त है, इसलिए आप ऐसा कोई प्रोसेस बताइए ताकि आसानी से हम वो पोस्ट के जरिए हम ले लें। तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें बताया कि भाई आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारा एक फॉर्मेट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट को आपको आवश्यकता है उन डॉक्यूमेंटों को वहाँ पे भर दीजिए और उसके लिए पर्टिकुलर हमारी एक फ़ीस जो डिसाइड की हुई है पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से,
वो आप हमारे को पे कर दीजिए, और जो पे का प्रूफ है वो उस डॉक्यूमेंट के साथ लगा के हमारे को एक पोस्ट के द्वारा हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस भेज दीजिए। आपको 10 से 15 दिनों में वो डॉक्यूमेंट आपके घर पे मिल जाएंगे बाई पोस्ट। प्रकाश भी वैसा ही करता है, वो उस फॉर्मेट को डाउनलोड करता है, उसमें जो जो उस दस्तावेजों की जो ज़रूरत रहती है वो सारे उसमें फिल करता है, और फिल करने के बाद उनको एक लिफाफे में डाल के रजिस्टर्ड डाक के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में भेज देता है। यूनिवर्सिटी को 7 से 8 दिन में वो डाक मिल जाती है। मिलने के बाद 15 दिवस बाद प्रकाश के पास एक डाक आती है, और उस डाक का जो लिफाफा है उस पर कुछ ऐसा लिखा होता है, और जब प्रकाश उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो काफ़ी प्रसन्न हो जाता है कि यूनिवर्सिटी ने उनके जो दस्तावेज की जो आवश्यकता थी उसे वो भेजे हैं। वो उन दस्तावेजों को देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है कि आपका काम तो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अकाउंट में हमने फीस जमा की है, जो डॉक्यूमेंट्स हमने अप्लाई किए हैं वो यूनिवर्सिटी में किए हैं, और यूनिवर्सिटी ने इन दस्तावेजों को हमारे पास भेजा है। लेकिन जब वो हमसे कॉन्टैक्ट करता है, इस चीज़ की जानकारी हमसे चाहता है कि सर मेरे पास जो दस्तावेज हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा डाक आई है, क्या अब भी हमें इसको RTI से वेरीफाई कराना ज़रूरी है, क्या RTI का वेरीफिकेशन अच्छा रहेगा, क्या हमारे डॉक्यूमेंट RTI से वेरीफाई होने के बाद कभी कोई परेशानी में तो नहीं आएंगे। तो हमने उसे सजेस्ट किया कि भाई अगर आपने दस्तावेज ले लिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार RTI ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक कानून है और सूचना का अधिकार भी है। हम एक यूनिवर्सिटी से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो दस्तावेज यूनिवर्सिटी ने हमें दिए हैं वो जेन्युइन है या फिर फर्जी। दोस्तों ऐसे में हमसे जब प्रकाश की बात हुई तो हमने उससे जानना चाहा कि जो आपको डाक मिली है वो डाक का लिफाफा हमें एक बार सेंड कीजिए, और साथ ही जो आपने जो डाक भेजी है यूनिवर्सिटी में उसकी रसीद हमें सेंड कीजिए। जब वो चीज़ें हमारे पास आई तो हमारे को काफ़ी कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। मैं आपको बता दूं कि जो रसीद जो लिफाफा उनके पास आया था वो दिल्ली से आया था, जबकि यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आखिर ये क्या मामला है? और जब उस लिफाफे के पीछे जो पोस्ट ऑफिस की एक सील जो एक रसीद लगी होती है वहाँ पे चेक किया, वो डाक दिल्ली से आई हुई थी, और वो जो डिग्री वो दस्तावेज जो प्रकाश ने मंगाए थे वो सारे दस्तावेज दिल्ली से कैसे आए? आखिर ये क्या मामला था? आखिर ये क्या मामला है? इसलिए हम आप लोगों को अवेयर करते हैं कि कहीं आपने जो दस्तावेज मंगाए हैं उन्हें भी आपको अच्छे से जांच लेना चाहिए, अन्यथा मैं आपको एक अब क्लिप दिखाने वाला हूँ, इस क्लिप की तरह ये लोग अपना पल्ला झड़का देंगे और आपको एक मुसीबत में फंसा देंगे। आप इस क्लिप को देखिए, आपके ये मामला समझ में आ जाएगा कि हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से जो है कुछ ऐसी खबरें मानव भारती विश्वविद्यालय से लेकर जो है सामने आ रही है, जिसमें कि जो है फर्जी डिग्री का भी जिक्र किया गया है, तो इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? क्या आप इसको क्या मान के चलते हैं कि आपके यहाँ से ऐसी जो है बात हुई है या नहीं हुई है, और आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं इस पूरे मामले पे, आप अपना स्पष्टीकरण। लेकिन टाइम टू टाइम हमारे पास काफी फर्जी डिग्रियां वेरिफिकेशन के लिए आती हैं, और हमने उनकी पुलिस हमने वेरिफिकेशन करने के बाद पुलिस स्टेशन में उसका FIR भी की है। ये सारी FIR की डिटेल है जो हमने टाइम टू टाइम धर्मपुर पुलिस स्टेशन पे भेजी है। उसके बाद इस तरह की ये देखिए, अभी भी लास्ट वीक हमारे पास एक फेक डिग्री एक पैकेट आया है जो कि पुणे के एड्रेस पे किसी ने डिस्पैच किया धर्मपुर पोस्ट ऑफिस से। हमारी पहले तो बात यह कि डाक वहां से नहीं जाती है, और ये देखिए इनका सैंपल देखिए और हमारी डिग्री का सैंपल देखिए, हमारी हैंड रिटन रहती है, ये टाइप्ड है, और हमारी डिग्री पे रजिस्ट्रार प्लस वाइस चांसलर रहता है, जबकि इस पे कंट्रोलर रजिस्ट्रार वाइस चांसलर पता नहीं क्या क्या है। दोस्तों जो ये क्लिप देखी, ये व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वो दस्तावेज दिए, जिन्होंने वो डिग्रियां जारी की, और जब इनके ऊपर कोई समस्या आई मुसीबत आई तो इन्होंने इस वीडियो में देख लो किस तरीके से अपने आप को बचा लिया। इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी डाक तो वहाँ से जाती ही नहीं है, हम वहाँ से कोई दस्तावेज नहीं भेजते हैं, और जो ये दस्तावेज हैं ये बिल्कुल फर्जी हैं। तो दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से
आज जो आपको जानकारी देने का मकसद यही था कि अगर आपने कोई दस्तावेज बाय डाक से मंगाए हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो डाक अभी रिसीव हुई है वो कहाँ से हुई है। कभी ऐसा ना हो कि जो आप डाक को लेकर बैठे हो बाद में आपको जानकारी हो कि यूनिवर्सिटी उस डाक को मना कर चुकी है कि वो हमारे द्वारा भेजी हुई नहीं है, हम वहाँ से डाक नहीं भेजते हैं। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी करते हो। हमारा आपसे निवेदन है कि जितना ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करोगे हम उतनी ऑथेंटिक और यूनिक जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे।